ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਂ ਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਮਾਨਯ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋ ਭਾਰਤ ਕਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲਈ और भारत को विकसित करने के संकल्प को पूरा करने के लिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार एक चुनाव की अदृश्य सुनामी चल रही है। और अब तक पिछले 6 चरण के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा देश ने की जनता ने दिया कि अब की बार 400 का पार होगा, उस नारे को सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगभग उसके करीब पहुँच चुकी है। इस चौथे चरण में उस पर केवल मोहर लगना बाकी है। जहाँ तक किसानों के परिप्रेक्ष्य में आपने बात की, पंजाब में ऐसी सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपना धरातल खोता हुआ साफ देख रही और जिनको इस बात का एहसास हो गया है कि अब सामने सामने की लड़ाई में, प्रत्यक्ष लड़ाई में वो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के इस बवंडर के सामने ठहर नहीं सकती, वो अब किसानों के रूप में किसानों का लबादा उड़ करके इस तरह का प्रतिकार करने की कोशिशें सब जगह कर रही है। लेकिन उसके चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का वोट जिस तरह से कंसोलिडेट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का वोट जिस तरह से बढ़ा है, आपने अनुभव किया होगा कि आज से एक महीने पहले जिस ताकत के साथ में विरोध करने की कोशिश की जा रही थी, बरनाला का इंसिडेंट देख लीजिए या ऐसा प्रदेश भर में हुए दूसरे इंसिडेंट्स, उसके बाद में अब उनकी धार भी कम हुई है और उनका प्रभाव भी जो है वो कम हो गया। हनुमान जी के चरणों इस वेले असीं बैठे हुए हैं तो लगता है भगवान राम, भगवान हनुमान जिहड़े ने बीजेपी का बेड़ा पार लगा। देखिए, हमारे लिए भगवान केवल चुनाव की वैतरणी प्राण प्रदान पार करने का साधन या प्रतीक मात्र नहीं, ये उन पार्टियों के लिए हैं जो चुनाव के समय, चुनाव से पहले न्यायालय में भगवान राम को काल्पनिक थे, कथा के पात्र थे ऐसे एफिडेविट फाइल करते हैं और चुनाव के समय में कुर्ते पजामे में के ऊपर जनेऊ पहन करके जिनके नेता अपने आप को राम भक्त सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जो राम मंदिर के निर्माण के समय में, प्राण प्रतिष्ठा के समय में उसमें न जाने का फैसला करते हैं, काले कपड़े पहन करके विरोध करते हैं और बाद में अपने आप को छत पर राम भक्त बताने की और सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान राम और हनुमान जो है वो चुनाव वैतरणी पार करने के साधन हो सकते हैं। हमारे लिए राम और हनुमान हमारी आस्था का विषय है, हमारी चिति का विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान श्री राम देश के सभी जाति पंथ संप्रदाय के लोगों के लिए उतने ही आराध्य हैं जितने हिंदुओं के लिए हैं। हमारा संकल्प था कि हमने सौगंध उठाई थी कि हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने वहां बनाया भी है, हमने वहां प्राण प्रतिष्ठा भी की है और आज देश के करोड़ों करोड़ लोग जिस विषय को लेकर के, जिस राम जी का मंदिर अयोध्या में बने इसको लेकर के जो वर्षों से, दशकों से, सदियों से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार आज समाप्त हो गया। पंजाब च एक धारणा है, कहिंदे कि अकाली दल पिंडां दी पार्टी है, भाजपा शहरां दी पार्टी है। हुण जदों अकाली दल तो वक्रे इलैक्शन लड़ रहे हो, पिंडां च माहौल की नज़र आंदा? कई थावां ते पिंडां च विरोध भी ये विषय है, केवल पंजाब में वो ऐसा नहीं है, हरियाणा में भी इसी तरह की परिस्थिति थी, राजस्थान में भी इसी तरह की बात की जाती थी, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की बात की जाती थी, देश के सभी हिस्सों में इस तरह की बात की जाती थी। लेकिन आज धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी जो उंगली पर गिन सकने वाले लोगों की पार्टी के रूप में खड़ी हुई थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई, ये भ्रांति का मिथक भी इस बार लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के साथ में टूट जाएगा। आंकलन कई बार किया जाता है, पंजाब कोई आंकलन किया है कितनी सीटें इस बार बीजेपी जीत सकती है? देखिए, मैं कभी आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाता, मैं जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूँ, अब की बार जब चुनाव का परिणाम आएगा 4 तारीख को, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 1 तारीख को पोलिंग होगी और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस को देख करके दांत के नीचे उंगली दबाएंगे। बीजेपी के उत्ते विरोधी इल्जाम लगाते, कहते पंजाब विरोधी है, किसान विरोधी है, पंजाब च हिंदू सिख कर रही है, इस तरीके के इल्जाम बीजेपी के उत्ते लगाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल से समझौता किया, आतंकवाद के उस बुरे दौर में भी सिख और हिंदू का जो है सामाजिक सामंजस्य, वो ताना बना बना रहे, सोशल फैब्रिक इंटैक्ट रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है कि हमारे लिए देश प्रथम, दल द्वितीय और उसके बाद में अंत में व्यक्ति आता है, जिस समय
आतंकवाद के उस बुरे दौर के समय में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अकाली दल से कई 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 गुना बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर भी हमने दल के हितों को दरकिनार करके देश के हितों को प्राथमिकता देते हुए देश पंजाब में हिंदू और सिख का सामंजस्य बना रहे, ये रिश्ता जो है ये इंटैक्ट रहे, इसके लिए अपने हित की कुर्बानी देकर के समझौता करके अपने आप को छोटे भाई के रूप में स्वीकार किया था और 3 दशक तक हम उसी तरह से बने रहे। सिखों को लेकर के, सिख के धर्म के मान बिंदुओं को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया। गुरुद्वारे में रोज जब प्रार्थना होती है उस अरदास के समय में रोजाना ही करतार साहब का लांगा खुले, ननकाना साहब के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, इसके अरदास हर सिख वहां गुरुद्वारा साहिब में खड़ा होकर के गुरु साहिब के श्री चरणों में करता है, गुरु साहिब की हजूरी में ये प्रार्थना करता है। वो करतारपुर साहब का लांगा जो 70 साल तक देश में कोई नहीं खोल पाया वो नरेंद्र मोदी ने खोला। पंजाब में जो कत्लेआम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था 1984 के बाद में, उस कत्लेआम में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में जो कत्लेआम किया था, उस कत्लेआम के जितने दोषी थे वो सारे कांग्रेस के नेता इस कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों के संरक्षण में खुले घूम रहे थे। SIT बना करके उनको जेल के सीख चौक के पीछे भेज करके उनको किए की सजा भुगताने का काम अगर किसी ने किया, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। गुरु साहब के साहिबजादे जिन्होंने इस सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने धर्म को बचाए रखने के लिए दीवार में चुन जाना स्वीकार किया था, उनको सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। शहीद आजम भगत सिंह जी का सम्मान बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नामकरण अगर किसी ने किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लंगर पे टैक्स हटा के GST हटाने का काम, टैक्स का फ्री करने का काम, चाहे वो दुर्गियाना मंदिर का लंगर हो, चाहे वो हरमंदिर साहब का हो या किसी और गुरुद्वारे का, वो काम अगर किसी ने किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के किसानों का भला करने के लिए कृषि क्षेत्र की तरफ देखने का नजरिए को बदल करके जो उत्पादन केंद्रित नजरिया होता था उसको प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के, किसान की आमदनी बढ़े केवल उत्पादन नहीं, इस परिपेक्ष में अगर किसी ने काम किया वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कतिपय लोग इस तरह की भ्रांति फैला करके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई, भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार, भारत में अंग्रेजों की सरकार बनी रहे इसके लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं से लेकर के अब तक के नेताओं ने अंग्रेजों से अगर कोई एक चीज उनके DNA में प्रवाहित हो रही है, आज भी उनके DNA में है, वो है बांटो और राज करो। देश को पहले अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, देश को आजादी के समय में मजहब के नाम पर बांटा गया, धर्म के नाम पर बांटा गया, देश को बोली भाषा और के आधार पर प्रांतों में बांटा गया, देश को अमीर गरीब के नाम पर बांटा गया, अगड़े पिछड़े के नाम पर बांटा गया, दलित और सवर्ण के नाम पर बांटा गया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा गांधी परिवार के सबसे बड़े मार्गदर्शक मेंटर जो हैं राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के जो सबसे बड़े मेंटर हैं, सोनिया गांधी जी के जो सबसे बड़े सलाहकार हैं सैम पित्रोदा साहब, उन्होंने भारत को रेसिस्ट आधार पर बांटने की कल्पना भी की। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे चन्नी साहब जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सोनिया गांधी के मंच से ये कहा, क्षेत्र के आधार पर बांटने की टिप्पणी की कि गैर पंजाबियों को इस पंजाब में बसने का अधिकार नहीं है, उनको बाहर निकाल देना चाहिए। सुखपाल खेरा साहब ने अभी टिप्पणी की कि जो उत्तर भारत के जैसे दूसरे प्रांतों से लोग यहाँ रोजगार के लिए आए हुए हैं, आज पंजाब की अर्थव्यवस्था में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो खेती के मजदूर के रूप में आता है, इंडस्ट्री के मजदूर के रूप में आता है, स्वरोजगारी के रूप में यहाँ आकर के काम करता है। उन लोगों को यहाँ न मत का अधिकार होना चाहिए, न जमीन खरीदने का अधिकार होना चाहिए, न घर बनाने का अधिकार होना चाहिए। ये मानसिकता, बांटने की मानसिकता एक बार फिर उद्घाटित हुई है। इसी तरह से बांट करके राज करने की आदत जो उनके DNA में है, उनका सिद्धांत जो है, उसके कारण से वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। राहुल गांधी कहते कि कांग्रेस की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार 300 सीटा बन रही है, असी MSP लागू जड़ा वह वो आने तो बाद करांगे, इस गल का जिक्र कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे एक आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। TV18 नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप देश भर में देश के हर तबके के व्यक्ति, नौकरी करने वाला व्यक्ति, स्वरोजगारी व्यक्ति, MSME चलाने वाला व्यक्ति, देश का मजदूर, देश का किसान, देश का गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, रेड़ी पटरी पे काम करने वाला व्यक्ति, देश की महिलाएं, देश के युवा, देश के बुजुर्ग, आप किसी भी व्यक्ति से आकर के पूछिए, 100 में से 99 लोग एक साथ हाथ खड़ा होकर के कहेंगे कि आएगा तो
मोदी है। ये जो सोम शर्मा की पत्रकथा आपने देखी होगी, सुनी होगी वो कहानी, ये राहुल गांधी जी आजकल सोम शर्मा के पत्रकथा वाली कहानी के ख्वाब में जी रहे हैं। तुहाड़े को पंजाब लई मॉडल की है कि 3 लाख करोड़ का पंजाब के उत्ते कर्जा है, पंजाब की जवानी विदेशों में जा रही है, बीजेपी अजिहा पंजाब लई की कर सकती है कि लोग तुहानू वोट पाउण? देखिए, भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर विकसित भारत होगा तो वो पंजाब को विकसित किए बिना विकसित भारत नहीं हो सकता। पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश के साथ साथ में बढ़े, पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, उनका पलायन रुके और साथ साथ में नशे की गिरफ्त में आने से रुके। और मैं ये तो जिम्मेदारी के साथ में कहूँगा कि पंजाब के भविष्य के लिए काम करने के साथ साथ में भविष्य का पंजाब बनाने की रूपरेखा भी, पटकथा भी इस 2024 के लोकसभा चुनाव में लिखी जाएगी। क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो पौधा हमने 2021 में बीज बोया था वो अब पौधा बना है, पेड़ बनेगा और 2027 में पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनेगी। आज अपने डायरी में आप मेरे नाम से लिख लीजिए, 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तो विखोनी कर रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार बनेगी, उसके बाद में पंजाब जिस तरह से देश के अन्य प्रदेशों में जहाँ डबल इंजन की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनने के बाद में 17 तक हम परिवर्तन नहीं कर पाए थे, लेकिन 17 में जिस दिन योगी मुख्यमंत्री बने उस दिन बाद में उत्तर प्रदेश का जो है परिदृश्य बदल गया। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर के एक दमदार मुख्यमंत्री यहाँ बैठेगा उस दिन से डबल इंजन की सरकार बनेगी। पंजाब जिन संभावनाओं का अधिकार जो हकदार है उन सारी संभावनाओं का दोहन करते हुए पंजाब को एक बार फिर देश का अग्रणी प्रदेश बनाएंगे। लास्ट सवाल है कि बॉर्डर खुल सकता है वाघा बॉर्डर व्यापार दे ले? देखिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा को साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। देश की सीमाएं सुरक्षित हों और सुरक्षा को किसी तरह की चुनौती नहीं हो उस दिन बाघा बॉर्डर भी खोला जा सकता है, उस दिन दूसरे बॉर्डर्स भी खोले जा सकते हैं, अटारी भी खोला जा सकता है, उस दिन जो है वहाँ मुनाबाव का बॉर्डर भी खोला जा सकता है, सब खोला जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता देश की सुरक्षा है, थी और रहेगी।